हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक रेडियस के बारे में। यह टॉपिक आईआईटी और नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। तो हेडिंग डालो एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसमें हम चार टॉपिक पढ़ेंगे। एटॉमिक रेडियस में हमको चार टॉपिक पढ़ना है। पहला आयनिक रेडियस के बारे में, दूसरा कोवेलेंट रेडियस के बारे में और तीसरा वांडर वाल्स रेडियस और चौथा मेटेलिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस में हमको ये फोर टॉपिक पढ़ना है। ठीक है बच्चों, पहला आयनिक रेडियस के बारे में, दूसरा कोवेलेंट रेडियस के बारे में, तीसरा वांडर वाल्स रेडियस के बारे में और चौथा मेटेलिक रेडियस के बारे में। ठीक है बच्चों, इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट आयनिक रेडियस है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग केवल आयनिक रेडियस पे ही बात करेंगे और आयनिक रेडियस को ही कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग डाल लो आयनिक रेडियस। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज आयनिक रेडियस। तो डिफिनेशन इसका लिखो बच्चों, रेडियस ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। आयंस का जो रेडियस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है सर, व्हाट इज आयंस आयंस इज फॉर्म्ड आफ्टर गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आयंस कैसे फॉर्म होता है बच्चों, जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या गेन करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, आयंस फॉर्म होगा। राइट, इलेक्ट्रॉन को लेंगे या देंगे तो क्या फॉर्म होगा, हमको आयंस फॉर्म होगा। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल ले लो सोडियम का। ठीक है, सोडियम का एग्जांपल ले लो। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सपोज कर लो बच्चों मैग्नीशियम है, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इस पे कितना चार्ज पॉजिटिव आएगा बोलो जल्दी। अगर एक कर रहा है तो एक आ रहा है, अगर दो करेगा तो दो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसको हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह फ्लोरीन का ले लो। राइट, ये क्या करेगा, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसमें कौन चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसमें कौन चार्ज आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या देखा, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एक चार्ज आ जा रहा है, अगर दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दो चार्ज आ जा रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही गेन करेंगे और लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देख लो, अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो N+ आ रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की ही कमी होगी।
ऐसे इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 11 होता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, बोलो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, ठीक है। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कितना था, 12 इलेक्ट्रॉन था, अगर 2 दे दिया तो कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। तो लॉस करने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घट रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे फ्लोरीन ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इस पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग में इसके पास 9 था, ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे इसके पास कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मतलब ये तुम लोग समझना है, ठीक है, ठीक है। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बात समझ, ठीक है, इस टॉपिक से बच्चों चार तरह के क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बात जाने बच्चों, अगर मैं देखो ध्यान से देखो, ये नॉर्मल सी बात है, अगर मैं साइज का बात करूं, ठीक है, अगर ये कोई एटम है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, अगर ये कोई बड़ा एटम है तो इसका रेडियस बड़ा आर है, अगर देखो यहाँ, अगर साइज बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है, साइज घट रहा है तो रेडियस भी घट रहा है, ठीक है। तो अगर मैं साइज का भी बात करूँ क्वेश्चन में, ठीक है, तो यानी मैं रेडियस का भी बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि साइज बढ़ रहा है यानी उसका रेडियस भी बढ़ रहा है, ये नॉर्मल सी बात है, बस मैं बता दिया, ठीक है। चलो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ रियल लाइफ से, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, अगर ये बात समझ में आ गया ना, तुम्हारा ये आयनिक रेडियस टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIA यहाँ से हर साल नीट और IIT में क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो देखो ये क्या तुम लोग को समझना है, देखो बच्चों सपोज कर लो यहाँ पे 10 पर्सन है, मतलब मैन है, 10 क्या है, मैन है, राइट, और यहाँ पे, ठीक है, कितना है, 12, 8 वोमेन है, ठीक है। और ये वोमेन कहाँ हो सकता है, हो सकता है यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ, पांचवा, इस तरह से 8 वोमेन जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे फैला हुआ है, और इसके अंदर क्या है, 10 मैन है, और एक रस्सी सपोज कर ली, इसके इसके इन लोगों के बीच क्या है, एक रस्सी ले लिया गया और खींचने का प्रोसेस किया गया एक, ठीक है। तो बताओ बच्चों कौन ज़्यादा खींच पाएगा, ये 10 मैन खींच पाएगा कि 8 वोमेन खींच पाएगा, ऑफकोर्स 10 मैन ज़्यादा है तो ये ऊपर की तरफ खींच पाएगा, अगर ये ऊपर की तरफ खींच पाएगा तो साइज क्या होगा बच्चों, बोलो साइज क्या होगा हमारा, साइज का क्या होगा, डिक्रीज होगा, हाँ या ना, क्योंकि देखो मैन अंदर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ, ज़्यादा आदमी है तो ये ऊपर की तरफ खींचेगा, तो क्या होगा यहाँ पे साइज हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है, साइज हमारा क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, है ना, इजी है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि अगर 8 मैन है, अगर 8 मैन है, अगर 10 वुमेन है, ठीक है, अब दोनों में क्या हो रहा है, ये इस तरफ खींच रहा है और ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, 8 में ऊपर की तरफ खींच रहा है और 10 ओमेन नीचे की तरफ खींच रहा है, अब बोलो बच्चों ये साइज बड़ा हुआ या छोटा हुआ, ऑफ कोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है, बाहर की तरफ, अगर बाहर की तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, है ना, तो साइज हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बढ़ जाएगा, सॉरी साइज यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे साइज हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, ये इससे बड़ा साइज हो जाएगा, ठीक है, देखो बड़ा साइज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा बनाना इसको नहीं है, बस समझना है क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ 10 मैन है और 8 वुमेन है, ठीक है, तो ये जो है 10 मैन ऊपर की तरफ खींच रहा है और 8 वुमेन नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो ये जाता है तो ऊपर की तरफ खींच पाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, अंदर की तरफ खींचेगा तो साइज हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, 10 वोमेन है और 8 मैन है, तो यहाँ पे ज्यादा वोमेन है तो ये क्या करेगी, नीचे की तरफ खींच लेगी, यहाँ 8 वोमेन है, यहाँ केवल 8 मैन है, तो क्या होगा, नीचे की तरफ खींचेगा, जब नीचे की तरफ खींचेगा इसको तो क्या होगा, साइज हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है,
बस इतना बात को तुम याद रखना, याद नहीं रखना, समझना है बस। अब इसी कंसेप्ट को बच्चों तुम्हारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, देखो कैसे। ठीक है, मैं क्या बोला था, यहाँ इस टॉपिक से कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, फोर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला टाइप का लिख लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइप। ठीक है, टाइप फर्स्ट हेडिंग लगाओ क्या, व्हेन ऑल कटायंस आर गिवन। ठीक है, तुमको केवल क्या दे देगा क्वेश्चन में, केवल कटायंस दे देगा, तो तुम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसा क्वेश्चन है देखो, यहां क्वेश्चन तुमको दे देगा बच्चों, Fe plus 1, Fe plus 2, Fe plus 3, राइट, Fe plus 1, Fe plus 2 और Fe plus 3। ठीक है, ये तुमको क्वेश्चन में दे दिया और पूछेगा इसको कंपेयर करो कि किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है, ये तुमको क्या करेगा क्वेश्चन में कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आयरन है तो इस, जब इस पे कोई चार्ज नहीं तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होता है और 26 प्रोटॉन होता है, ये आइडिया है। ठीक है, ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों इस पे प्लस वन आ गया, प्लस वन किसी पे कब आता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन देता है, लॉस करता है। हाँ, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 25 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 26 प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम रहेगा, प्रोटॉन चेंज होगा क्या, नहीं प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह बताओ इसके पास कितना हो जाएगा, 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके पास प्रोटॉन सेम रहेगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब प्रोटॉन 26 रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, इतना तो पता चल गया, इतना हमको आता है। अब बताइए सर साइज को हम कैसे कंपेयर करें। ठीक, तो देखो यहाँ पे सेम कंसेप्ट जो मैं बताया था, 26 प्रोटॉन यहाँ पे, ठीक है, और इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, सेम उसी तरह 26 प्रोटॉन साइज यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कितना, राइट, और इसी तरह 26 प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन के चारों तरफ होता है, न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे 25 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 26 प्रोटॉन 25 इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये केवल 25 इलेक्ट्रॉन 26 प्रोटॉन को नीचे की तरफ खींच रहा है। ध्यान से देखो और बताओ कि कौन खींच पाएगा, ऑफकोर्स 26 प्रोटॉन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींच पाएगा, है ना, तो यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ खींच रहा है तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अंदर की तरफ खींच रहा है तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर भी 26 प्रोटॉन है और केवल 24 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये 24 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींचेगा और ये 26 प्रोटॉन ऊपर की तरफ खींचेगा, लेकिन इसका संख्या ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, लेकिन यहाँ पे केवल 26 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे साइज बोलो और कम हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे साइज और कम हो जाएगा, साइज यहाँ पे और कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे केवल 23 इलेक्ट्रॉन है तो इसको और ऊपर की तरफ खींचेगा, और अंदर की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे साइज सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, है ना, यहाँ पे साइज सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से देखते, यहाँ पे 26 प्रोटॉन है, यहाँ पे 25 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑफकोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेगा, जब अंदर की तरफ खींचेगा तो साइज हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे इससे भी कम प्रोटॉन है तो इसको और अंदर की तरफ खींचेगा तो साइज और क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, केवल 23 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे और कम इलेक्ट्रॉन, इसको और अंदर की तरफ खींचेगा, इसका साइज सबसे छोटा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसका होगा, है ना, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा, यहाँ से बोल सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, जब मैग्नीट्यूड
बढ़ रहा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस वन है तो साइज कम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस टू है तो साइज और कम रहा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस थ्री है तो यहाँ पे और ज्यादा कम गया। यानी जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं साइज हमारा क्या हो रहा है और कम होते जा रहा है। तो यहाँ से ऐसा कब होता है, एक बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है घट रहा है। जब मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है साइज हमारा घट रहा है, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। ऐसा रिलेशन किसमें होता है बोलो जल्दी, ऐसा रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, यहां से मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कटाए, हाँ या ना बोल सकता हूं ना। यहां से देखो, यहां साइज घट, जैसे जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसा रिलेशन किसमें होता है, इसमें होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। तो ये तुमको क्या करना है, याद रखना है। अगर मैं एटॉमिक साइज का बात कर रहा हूँ यानी एटॉमिक रेडियस का भी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है एटॉमिक साइज, कटायनिक साइज लिखो, अच्छा लग गया थोड़ा सा, कटायन का बात कर रहा हूँ ना तो कटायनिक साइज, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला हमारा हेडिंग हो जाएगा When, अगला टाइप ऑफ टू। अब क्या करो, टाइप टू फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब सेकेंड टाइप पे चलते, When all anions are given, When all anions, When all anions are given, जब केवल anions दिया है तो हम सब कैसे कंपेयर करेंगे, यहां भी एक क्वेश्चन से समझते हैं। C-2, C-3 और C-4, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताइए सर कि हम इसमें साइज कैसे कंपेयर करें, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन पे चलते हैं, क्या करेंगे, हम जानते हैं कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होता है, यस या नो, यस ये हमको पता है सर, ठीक है सर। अब क्या किया, यहाँ पे जब ये माइनस टू कब आता है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, हाँ हाँ कि ना, जब ये दो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो प्रोटॉन तो सेम रहेगा 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एक बढ़ जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन कितना रहेगा, प्रोटॉन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोलो, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ठीक है। चलिए सर यहाँ तक तो नॉर्मल है, यहाँ तक हम जानते हैं, साइज बताइए सर साइज कैसे कंपेयर करते, ठीक। हम बोलेंगे हम लोग जो कंसेप्ट यूज करते हैं उसी से चलते हैं, यहाँ हमारा कितना प्रोटॉन है बोलो, 6 प्रोटॉन है, और ये डायग्राम है, यहाँ भी 6 प्रोटॉन है और यहाँ भी 6 प्रोटॉन है, राइट ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, यस। अब देखो बच्चों 6 प्रोटॉन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींच रहा है, तो बोलो साइज बढ़ेगा कि घटेगा, जब 8 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींच रहा है और केवल 6 प्रोटॉन ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो ऑफकोर्स साइज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, साइज हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरह यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींच रहा है, पहाड़ की तरफ खींच रहा है, और केवल 6 प्रोटॉन ऊपर की तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, साइज इसका बढ़ेगा क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे भी साइज क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा बढ़ेगा, इससे ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे केवल 8 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ तो 9 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा साइज बढ़ेगा। उसी तरह यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, इससे भी ज्यादा साइज बढ़ेगा, यहाँ पे केवल 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे और ज्यादा, बोलो जल्दी, और ज्यादा साइज हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
तो यहां से एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं सर? देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 है तो यहाँ साइज बढ़ा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 3 तो और साइज बढ़ा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 4 है तो और साइज बढ़ा। यानी एक को बढ़ा रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक को बढ़ा रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एक को बढ़ा रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, ये रिलेशन किसको बोलते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, एनायनिक रेडियस राइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनायनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एनायनिक मैग्नीट्यूड ऑफ एनायन के, राइट मैग्नीट्यूड ऑफ एनायन के, है ना? क्योंकि देखो यहाँ जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइज बढ़ रहा है, ऐसा रिलेशन इसी में होता है। ठीक है, तो दूसरा टाइप भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अगला टाइप पे चलते हैं, टाइप हेडिंग डालो टाइप थॉट, अगला हेडिंग डालो बच्चों टाइप थॉट। ठीक है, टाइप थॉट। ठीक है, व्हेन कटायंस एनायंस एंड न्यूट्रल राइट, व्हेन कटायंस एनायन एंड न्यूट्रल आर गिवन या प्रेजेंट। अगर क्वेश्चन में क्या कहते बच्चों, कटायन दे दे, एनायन दे दे, न्यूट्रल दे दे, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक क्वेश्चन से चलते हैं इसका भी। ठीक है, एक क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन आयरन ले लेते हैं, राइट प्लस आयरन ले लेते हैं और आयरन प्लस 3 ले लेते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आयरन लेते हैं और दूसरा फ्लोरीन ले लेते हैं। ठीक, एफ और एफ माइनस 1, हाँ कि ना, यस या नहीं, यस। ठीक है, ये ले लिया। ठीक है, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नहीं। ठीक है सर, हमारा सॉल्यूशन पे चलते, देखो यहाँ ध्यान से, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोलो जल्दी, 26 इलेक्ट्रॉन और 26 प्रोटॉन। ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोलो जल्दी, 23 किसी को दे दिया, पहले कितना था 26 था, 3 किसी को दे दिया तो कितना बचा 23 और यहाँ पे 26 मिलेगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कितना 26 प्रोटॉन, यहाँ पे कितना बोलो जल्दी 26 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बोलो जल्दी 26 प्रोटॉन और यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे 26 प्रोटॉन है और 26 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई साइज में चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर खींच रहा है उतना ही नीचे खींच रहा है, कोई चेंज नहीं। यहाँ पे साइज में क्या हो जाएगा बच्चों, नो चेंज। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो 26 प्रोटॉन अंदर की तरफ खींच रहा है और 23 इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 ये जाता है ना तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ खींच लेगा, यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम एक रिलेशन लिख सकते हो क्या, यहां से क्या रिलेशन लिख सकते हो कि देखो यहां कि न्यूट्रल रेडियस ग्रेटर देन कटायनिक रेडियस, बोल सकते हो कि नहीं, न्यूट्रल रेडियस ग्रेटर देन कटायनिक रेडियस, क्योंकि इसका साइज तो कुछ नहीं लेकिन इसका साइज घट गया, तो यहां से हम बोल सकते हैं न्यूट्रल रेडियस ग्रेटर द कटायनिक रेडियस। ठीक है सर, अब इसमें आते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह इसका कितना इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। ठीक है सर, हम क्या करते हैं डायग्राम बना देते हैं, 9 प्रोटॉन और यहाँ पे 9 प्रोटॉन यहाँ पे होगा, 9 प्रोटॉन यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ
यहाँ पे 9 प्रोटॉन है, 9 इंटू इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे की तरफ कितना और ये ऊपर, कोई चेंज नहीं, क्योंकि जितना 9 इसमें है उतना ही इसमें है, जितना ये उतना ताकत से नीचे की तरफ खींचेगा उतना ही ताकत से ये ऊपर की तरफ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें 9 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा ये नीचे खींचेगा, और हमारा साइज क्या हो जाएगा, साइज हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं होगा लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, है ना, साइज हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाहर की तरफ खींचेगा तो साइज हमारा क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि न्यूट्रल, या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, एनायनिक, एनायनिक रेडियस ग्रेटर देन न्यूट्रल रेडियस, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो ये नीचे ये बढ़ जाएगा, जब बाहर की तरफ खींचेगा तो साइज बढ़ जाएगा, यानी इससे ये क्या है, बड़ा है। और ये दोनों देख के तुम लोग हमको बताओ कि सबसे बड़ा कौन है, बोलो जरा, सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा एनायनिक रेडियस, हाँ या ना, एनायनिक रेडियस, है ना, उससे बड़ा कौन हो जाएगा, न्यूट्रल रेडियस, इससे छोटा, सबसे बड़ा एनायनिक रेडियस, उसके बाद न्यूट्रल रेडियस, न्यूट्रल रेडियस, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, कटायनिक रेडियस, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में यूज होता है, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एनायनिक रेडियस, ठीक है, उससे बड़ा कौन हो जाएगा, उससे छोटा कौन हो जाएगा, न्यूट्रल रेडियस, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा, कटायनिक रेडियस। चलो यहाँ तक लिखो, ठीक है, यहाँ तक लिखो, उसके बाद एक और टर्म एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे, चलो वहाँ तक कंप्लीट करो, चलिए। अब देखो यहाँ एक टर्म आ जाता है, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक टर्म आ जाता है, आइसो, क्या टर्म आ जाता है, बोलो बोलो बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ये तुमको टर्म आ जाए क्वेश्चन में, नया टर्म है, इसलिए तुम लोग फिर कहोगे कि कैसा ये टर्म आ गया, क्वेश्चन बनेगा, इसलिए इस टर्म को जानो। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां से मैं क्या डिफिनेशन एक बना सकता हूं क्या, एलिमेंट, एलिमेंट हैविंग, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, हाँ या ना, अगर एलिमेंट, दो एलिमेंट के पास अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, देखो यहाँ Na प्लस और Fe, F क्लोरीन होता है, एफ, एफ जो है माइनस, ठीक है, इसके पास अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इसके पास था 11 इलेक्ट्रॉन, ये एक किसी को दे दिया था 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, 10 इलेक्ट्रॉन, पहले था 9, एक किसी से दे दिया तो 10 हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है, तो बस ये टर्म ध्यान रखना है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट, हाँ क्वेश्चन लिखते जाओ बच्चे, कंपेयर करना है क्वेश्चन, विच ऑफ द
correct order of size, which of the correct order of size, right? ये तुमको चार तुमको ऑप्शन दे दिया बच्चों, पहला लिख लो, पहला k प्लस सी ए प्लस टू ए आर एस माइनस टू और सी एल माइनस, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन है तुम्हारा k प्लस सी ए प्लस टू एस माइनस टू सी एल माइनस ए आर, ठीक है, सी है तुम्हारा एस माइनस टू सी एल माइनस ए आर के प्लस और सी ए प्लस टू, फोर्थ ऑप्शन है एस माइनस टू सी एल माइनस के प्लस ए आर और सी ए प्लस टू ए आर है, ए आर। अब क्या इसका दे दिया है, ये तुमको चार ऑप्शन दे दिया है बच्चों, ठीक है, अब बताओ तुम लोग कि कौन ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ, बोलो कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है इस टॉपिक में, तुम क्या ध्यान रखो, क्या यहाँ पे एनायन है तो एनायन है, क्या यहाँ पे न्यूट्रल है तो यहाँ पे न्यूट्रल है, क्या यहाँ पे कटायन है तो कटायन है, ठीक है, हाँ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये क्या है कटायन है, ये यहाँ पे न्यूट्रल है और ये क्या है हमारे पास एनायन है, सॉरी, ठीक है। तो ये तीनों हमको जब भी दे दे तो हम किस फॉर्मूला पे जाएंगे, सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है बोलो जल्दी बोलो, एनायनिक, एनायनिक रेडियस क्या होता है बोलो जल्दी, सबसे बड़ा होता है, राइट, उसके बाद किसका होता है न्यूट्रल का रेडियस सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा किसका होता है बोलो जल्दी, अभी अभी बता रहा हूँ, कटायनिक रेडियस होता है, हाँ या नहीं, कटायनिक रेडियस होता है, एनायनिक रेडियस सबसे बड़ा होता है, यानी एनायन वाले को हम यहाँ लिख लेंगे, क्या होगा एस माइनस टू और सी एल माइनस, उसके बाद सबसे बड़ा कौन होता है एनायन होता है, एनायन वाले को मैंने लिख लिया, उसके बाद न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन है आर्गन, तो मैं आर्गन के यहाँ लिख लूंगा, उसके बाद कौन है कटायन, सबसे छोटा किसका होता है कटायन का, तो हम कटायन का लास्ट में लिखेंगे के प्लस सी ए प्लस टू, यस या नो, यस, ठीक है सर, आपने बोला था कि एनायनिक रेडियस सबसे बड़ा होता है, उसके बाद न्यूट्रल रेडियस होता है, उसके बाद सबसे छोटा कटायनिक, ये मैंने लिख लिया सर, लेकिन ये बताइए सर इसमें हम कैसे कंपेयर करें, तो बच्चों मैं बताया था क्या, अगर एनायनिक में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है या मैग्नीट्यूड ऑफ कटायन ज्यादा है, ये ज्यादा है तो इसका साइज क्या होगा बड़ा होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कटायन में कैसे, कटायन में क्या बोला था, इसके उल्टा, जस्ट इसमें क्या होता है एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, इसमें क्या होता है एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है घटता है, तो यहाँ पे प्लस वन मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे प्लस टू मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ, चलो ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा विच इज द करेक्ट साइज ऑर्डर फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। अब तुमको क्या दे दिया, ये तुमको एस माइनस टू सी एल माइनस के प्लस और सी प्लस, ये तुमको क्वेश्चन दे दिया, देखो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो घबराने का नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है सबका इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है,
बस केवल टॉप दो बोला, लेकिन यहाँ पे क्या ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, केवल एक अनायन है और कटायन है। तो अनायन बड़ा होता है कि कटायन, हम लोग अभी अभी देखे हैं अनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में कौन बड़ा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसका साइज ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। और कटायन में क्या होता है, उल्टा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम उसका साइज बड़ा है ना, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इसका साइज सबसे कम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंपेयर साइज, कंपेयर साइज n माइनस थ्री ओ माइनस टू एफ माइनस एन एन ए प्लस एम जी प्लस टू और एन प्लस थ्री, ठीक है। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में भी क्या क्या है, बोलो बच्चों, एनायन दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, कटायन दे दिया, तो हम किस मेथड से जाएंगे, बोलो जल्दी। अभी अभी बताया हूँ कि सबसे पहले किस में जाएंगे, सबसे बड़ा किसका साइज, एनायन का साइज, एनायनिक रेडियस सबसे बड़ा होगा। उसके बाद बोलो क्या होता है, न्यूट्रल रेडियस होता है, न्यूट्रल रेडियस। उसके बाद क्या होता है, कटायनिक रेडियस, कटायनिक रेडियस, आया ना। हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे, एनायन कौन, यही है एनायन, तो इसको यहां पे लिख लेंगे, एन माइनस थ्री ओ माइनस टू एफ माइनस, उसके बाद न्यूट्रल को लिख लेंगे, उसके बाद एन ए प्लस एम जी प्लस टू और एन प्लस थ्री लिख लेंगे। अब इसमें कौन बड़ा है सर, तो एनायन में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, बोलो उसका, उसका साइज ज्यादा, सबसे बड़ा इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। कटायन में इसका उल्टा हो जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम उसका साइज ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे इससे बड़ा फिर इससे बड़ा, ये तुम्हारा बच्चों आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आज हम लोग बच्चों यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो, ठीक है।